साथ मैं हूं प्रतीक्षा और मैं ये नजर डालते हैं जनपद की बड़ी खबरों पर। जनपद बाराबंकी के मसौली में पारक महासंघ के अध्यक्ष एवं मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने गुरुवार को मसौली चौराहे पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सजातीय वोटों को साधते हुए आगामी 21 अक्टूबर को भाजपा उम्मीदवार अमरीश रावत को भारी मतों से जिताने की अपील की। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद कौशल किशोर ने कहा कि आज़ादी के बाद से देश एवं प्रदेश में शासन करने वाली पार्टियों ने केवल दलितों को ठगने का काम किया है। दलितों, शोषितों एवं गरीबों के हित में यदि किसी सरकार ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। वहीं सांसद ने दलित समाज में जोश भरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2022 तक देश का कोई भी मकान कच्चा ना हो, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चालू की, जिसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे दलित समाज के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने सपा बसपा एवं कांग्रेस को गांव गरीब का विरोधी बताते हुए कहा कि इन विपक्षी दलों ने हमेशा धोखे की राजनीति, जाति धर्म एवं परिवारवाद के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया है। परंतु वर्तमान की भाजपा सरकार, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, ने धोखा नहीं बल्कि योजनाओं को धरातल पर लाकर समाज के आखिरी व्यक्ति के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। सांसद कौशल किशोर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाली सपा बसपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को यदि किसी ने साकार किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वहीं सांसद ने उपचुनाव को देश के मान सम्मान को जोड़ते हुए कहा कि यह उपचुनाव देश की एकता एवं अखंडता से जुड़ा हुआ है और आप सभी लोग एकजुट होकर 1.5 लाख से अधिक मतों का लक्ष्य लेकर प्रत्याशी अमरीश रावत को जिताएं। भाजपा उम्मीदवार अमरीश रावत ने जहां आशीर्वाद की कामना की है, वहीं हैदरगढ़ के विधायक बैजनाथ रावत ने अमरीश रावत को जिताने की अपील की है। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कविता के जरिए मतदाताओं में जोश भरकर जिताने की अपील की। वहीं जिला अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता एवं प्रदीप कुमार रावत के संचालन में कार्यकर्ता सम्मेलन को प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, राजकुमार सोनी, सुधीर कुमार सिंह सिद्ध, गुरुशरण लोधी, अंतरिक्ष रावत, शशांक कुशमेश, सुशील रावत, अजय कुमार कोरी, अजय कुमार त्रिपाठी, विनीत कुमार वर्मा, अजय सिंह लोधी, देवी शंकर सोनी, सोमनाथ राजपूत, बलराम वर्मा, दयाराम वर्मा, भुल्लन वर्मा, पंकज कपिल आदि लोगों ने संबोधित किया। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए विकास चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। एक बड़ी खबर, लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी का गला रेत दिया गया। वहीं इसके बाद उनको गोली मार दी गई। वहीं घटना के बाद कमलेश तिवारी को ट्रामा सेंटर भेजा गया। इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, ये घटना खुर्शीद बाग स्थित हिंदू समाज पार्टी कार्यालय में चाय पीने आए बदमाश मिठाई के डिब्बे में चाकू और तमंचा लाए थे। वहीं इस घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। एक बड़ी खबर, लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी का गला रेत दिया गया। वहीं इसके बाद उनको गोली मार दी गई। वहीं घटना के बाद कमलेश तिवारी को ट्रामा सेंटर भेजा गया। इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, ये घटना खुर्शीद बाग स्थित हिंदू समाज पार्टी कार्यालय में चाय पीने आए बदमाश मिठाई के डिब्बे में चाकू और तमंचा लाए थे। वहीं इस घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए।